हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज ये 10 सीरीज़ की चौथी वीडियो है। चौथी वीडियो मतलब चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अगर आपने पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पे उसके लिंक मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप उनको पहले देखें ताकि टेंस सीक्वेंस में समझ में आ सके। तो आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के बारे में समझना है। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपने मेथड को बता दूँ, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मेरा मेथड क्या है कि हम हर टेंस को सेंटेंस के डिफरेंट काइंड्स में बनाना सीखते हैं। वो काइंड्स क्या हैं? हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस को इन 5 सेंटेंसेस में बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं होती है। अब आप कह रहे होगे, सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में भी थी। हाँ, वहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है मैंने कुछ आगे। देखो, समय के साथ, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, ये पहचान तो आएगी ही आएगी, लेकिन उस सेंटेंस में वो काम जो हो रहा होगा वो समय के साथ हो रहा होगा। जब हम एग्जांपल लेंगे तो और अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे और हो जाएगा अपने आप क्लियर, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहचान क्या है पहले एक बार फिर से क्लियर कर लो। रहा है, रही है, रहे हैं, ये एंड में आएगा, हिंदी के सेंटेंस के एंड में आएगा, और उस सेंटेंस में समय के साथ काम हो रहा होगा, यानी वो पिछले समय से काम चला आ रहा होगा और अभी भी हो ही रहा होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको समझते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगानी है हमें, हैज़ बीन और हैव बीन लगानी है। हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज़ और हैव को समझा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी है कि हैज़ बीन, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, हैव बीन आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। क्लियर है? वही है, बस यहाँ पे बीन ऐड हो गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव को हमने जिस तरीके से समझाया था हेल्पिंग वर्ब कैसे लगेगी, उसी तरीके से हैज़ बीन और हैव बीन भी लगेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम हैज़ बीन लगाएंगे, और अगर आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहाँ पे हम हैव बीन लगाएंगे। क्लियर हो गया? आइए इसके रूल को समझते हैं। अब रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। अब आप कह रहे हो इतना बड़ा रूल? हाँ जी, रूल बड़ा है और टेंस भी बड़ा है। इसको अच्छे से समझते हैं, क्लियर करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव चुनना है और बीन तो लगाना ही लगाना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वाली फॉर्म लगानी है, प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फोर दोनों में से कोई एक टाइम के अकॉर्डिंगली लगाना है। अब आप सोच रहे होगे टाइम के अकॉर्डिंग सिंस फोर, वो कैसे? तो चलो इसी कॉन्सेप्ट को पहले समझ लेते हैं। यूज ऑफ सिंस और फोर। सिंस इज यूज फॉर डेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम क्या होता है भाई? पॉइंट ऑफ द टाइम। अरे फिर इंग्लिश में बोल दिया, सर हिंदी में बताओ। समय के एक निश्चित बिंदु के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लेके अभी हम समझेंगे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, फॉर किसके लिए यूज होता है? यूज्ड फॉर इनडेफिनेट टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। समय के एक अंतराल के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, आइए और अच्छे से समझते हैं सिंस और फॉर को। अरे ये क्या, कैलेंडर और घड़ी? सर ये क्या है? बिल्कुल बताते हैं। देखो, सिंस कहाँ यूज होता है? जो कुछ भी कैलेंडर में और घड़ी में पाया जाता हो उनके आगे हमें सिंस का यूज करना है। अब उनके अंदर क्या पाया जाता है, यानी देखो कैलेंडर के अंदर क्या क्या चीज हो सकती है? डेट्स होंगी, ठीक है, डेट्स, डेज होंगे, ठीक है, मंथ्स होंगे, ईयर होंगे, ये सब कैलेंडर में होंगे। ठीक है, वॉच में यानी घड़ी में क्या होगा? घड़ी में 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4 बजेंगे, टाइम होगा, 10:10 भी होगा, 5:06 भी होगा, कुछ भी हो सकता है, टाइम तो कुछ भी बजाएगी घड़ी। तो घड़ी में जो भी कुछ टाइम बजे उसके आगे हमें सिंस का यूज़ करना है। कैलेंडर में जो कुछ भी हो, डेट, डेज, मंथ्स, ईयर, इन सब के आगे हमें क्या लगाना है? सिंस लगाना है। आपने ध्यान दिया, ये जो ऊपर 2 बजे, 10:10 या डेट्स 20 मई 2019 मंथ लिखा हुआ है, महीना लिखा हुआ है, डे लिखा हुआ है, ईयर लिखे हुए हैं, तो ये सब क्या है? ये एक निश्चित समय है, ये एक डेफिनेट टाइम है। इस डेफिनेट टाइम के आगे हम सिंस का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द प्रीवियस डे।
तो इन सब के आगे भी हम सिंस लगाते हैं क्योंकि ये भी एक डेफिनेट टाइम ही होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। फोर में ऐसा कुछ नहीं है, फोर जो है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए यूज़ होता है। अब इनडेफिनेट टाइम किसे कह सकते हैं, एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखो एग्जाम्पल है एक सेकेंड। अब एक सेकेंड क्या, एक सेकेंड तो कौन सा एक सेकेंड हमें नहीं पता ना, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड एक टाइम पीरियड है, एक बहुत ही छोटा मिनिमम टाइम पीरियड है। ठीक है, एक ड्यूरेशन है, 15 मिनट ये टाइम ड्यूरेशन है ना, 2 घंटे, 20 दिन, 3 सप्ताह, 2 महीने, 6 साल, ये सब क्या है, ये समय अवधि है, ये टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड के आगे हमें क्या लगाना होता है, फोर लगाना होता है। इन सब दोनों चीज़ों को हम दो दो सेंटेंस पढ़ करके क्लियर कर लेते हैं। टाइम को क्लियर करने के लिए सेंटेंस लिखे हैं मैंने, वह 4 बजे से तुम्हारा वहाँ इंतज़ार कर रहा है। 4 बजे से, अब इस 4 बजे से, ये 4 कौन से 4, हाँ होंगे 4 तो घड़ी में बजते हैं, लेकिन 4 घंटे नहीं बजते हैं। अगर यहाँ पे होता 4 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तो हम सेंस नहीं लगा सकते थे। अभी हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सेंस लगाएंगे, वह 4 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखो, सुबह से भाई बहुत मेहनत कर रहा है, सुबह से, समझ रहे हो, सुबह से, यानी मॉर्निंग आएगा तो भी हम सेंस लगाएंगे। इस तरफ आ जाओ, 2 घंटे से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यानी 2 घंटे, कौन से वाले 2 घंटे हैं ये नहीं पता, ये पता है कि हाँ ये टाइम ड्यूरेशन है, और टाइम ड्यूरेशन के लिए हमें 4 का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल से, अब यहाँ देखो 5 साल है, 5 साल से पहले हम 4 का यूज़ करेंगे। चीज़ क्लियर हुई, तो आगे और सेंटेंस लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका रूल क्या था, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। ठीक है, याद कर लेना रूल, रूल के बिना काम नहीं चलने वाला। चलिए एग्जांपल लेकर के इसको क्लियर कर लेते हैं। वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है। अब सोचो यहाँ पे, घंटे से कर रहा है, 3 बजे से कर रहा है नहीं। टाइम क्या है, इनडेफिनेट है या फिर डेफिनेट है, बताओ जल्दी बताओ। यहाँ पे टाइम इनडेफिनेट है, वेरी गुड। अगर टाइम इनडेफिनेट हो तो हम क्या लगाते हैं, 4। तो ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, क्लियर है, वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। अगला सेंटेंस, वे मेरी मदद कई सालों से कर रहे हैं, वे मेरी मदद कई सालों से कर रहे हैं। कई साल नहीं पता ना, 2005 से कर रहे हैं, 2006 से कर रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम पता है लेकिन निश्चित कौन से वर्ष हैं ये नहीं पता हमें। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, दे हैव बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स। फॉर इसलिए लगाया क्योंकि वहाँ पे हमें निश्चित टाइम नहीं पता था। ठीक है, अगला सेंटेंस, मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। अरे बिल्कुल निश्चित टाइम बताया भाई, सोमवार से आ रहा है, उसने ये तो नहीं कहा 2 दिन से आ रहा है, मुझे 5 दिन से बुखार आ रहा है, ये तो नहीं कहा, बिल्कुल क्लियर बताया उसने कि सोमवार से आ रहा है, यानी निश्चित टाइम है, डेफिनेट टाइम होता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग। अब आप करोगे सर आई हैव बीन, अरे मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था कि आई हैव को हम आई हैव बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्शन यूज कर सकते हैं ना, तो मैंने कर दिया, वी हैव को हम वी हैव, यू हैव को यू हैव, दे हैव को दे हैव, तो ये कॉन्ट्रेक्शन का यूज़ करके सेंटेंस बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस है, वह सुबह से सो रही है, वह सुबह से सो रही है। तो सुबह निश्चित समय है, बता दिया सुबह से ही सो रही है, तो कैसे बनाओगे, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्लियर है। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, वह जनवरी से इस घर में रह रहा है। देखो टाइम को आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, जनवरी से, मैंने बताया था कि कैलेंडर में जो कुछ भी हो उसके आगे हमें सिंस का यूज़ करना होता है, जनवरी कैलेंडर में होता है, हाँ होता है, बिल्कुल होता है भाई। तो वह जनवरी से इस घर में रह रहा है, तो वह यानी ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन नहीं लगा सकते, तो ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी, क्लियर है, ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। अगला सेंटेंस देखो, रोहित सुबह से सो रहा है, रोहित सुबह से सो रहा है, तो रोहित हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे, 3 बजे नहीं, 3 बजे होता तो हम सिंस लगाते, तो 3 घंटे हैं तो हम इसलिए 4 लगाया हमने। ठीक है, तो ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। अगला सेंटेंस,
मुझे सोमवार से बुखार आ रहा है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। वह 2 घंटे से टेनिस खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 आवर्स। किसान 4 घंटों से खेतों में काम कर रहा है। द फार्मर हैज बीन डूइंग वर्क इन द फील्ड फॉर 4 आवर्स। क्लियर है? द फार्मर हैज बीन डूइंग वर्क इन द फील्ड फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस, मैं सुबह से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ तो आपको बता ही दिया है। ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। यहाँ भी कॉन्ट्रेक्शन है, हैज़ और नॉट मिल करके हैज़न्ट बनेगा, हैव और नॉट मिल करके हैवन्ट बनेगा। पिछली वीडियो में मैंने यही बात बताई थी। रूल देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन। यानी नॉट कहाँ लगाना है? हैज़ बीन के बीच में नॉट लगाना है, हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। समझ गए? नॉट का यूज देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीन से पहले नॉट लगाना है, इस चीज को याद रखना है। क्लियर है? चलिए एग्जांपल लेकर के नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। काम 2 घंटे से नहीं हो रहा है और अभी भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे पता चलता है। मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो मोहन हैज़ नॉट बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे थे, अनिश्चित समय था, यानी समय अवधि थी, इसलिए हमने 4 लगाया। क्लियर हो गया? अगला सेंटेंस, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है। तो she has not been reading for 2 days। ठीक है, 4 लगाया, 2 days है इसलिए। अगला सेंटेंस, वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। वे नदी में 2 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। They have not been bathing in the river for 2 hours। क्लियर है? लास्ट सेंटेंस, वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा है। He has not been living in this house since January. He has not been living in this house since January. क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में यूज ऑफ हैज बीन, हैव बीन तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, अब फिर देख लेते हैं एक बार। ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। क्लियर है? आइए रूल देखते हैं। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। यानी क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही बनाते हैं, आपको पता ही है। तो हैज हैव हमने स्टार्टिंग में रखा, लेकिन बीन को हमने सब्जेक्ट के बाद लगाया। ठीक है, हम हैज बीन हैव बीन पहले नहीं लगा सकते, हम हैज हैव पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सेंटेंस में हम उसको देखते हैं, फिर अपने आप समझ जाओगे। एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है? Has he been doing his work for 3 hours? Has he been doing his work for 3 hours? अगला सेंटेंस देखो, क्या वह आधे घंटे से पत्र लिख रहा है? Has he been writing a letter for half an hour? Half an hour यानी आधा घंटा, वो भी एक टाइम पीरियड है, इसलिए हमने 4 लगाया। अगला सेंटेंस देखो, क्या शर्मा जी तुम्हें 20 मार्च से गणित पढ़ा रहे हैं? Has शर्मा जी been teaching you mathematics since 20th March? क्लियर है? Has शर्मा जी been teaching you mathematics since 20th March? अगला सेंटेंस, क्या तुम्हें सोमवार से बुखार आ रहा है? Have you been suffering from fever since Monday? Have you been suffering from fever since Monday? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेकंड की ओर। WH फैमिली से शुरू होने वाले सेंटेंस है। यूज ऑफ हैज बीन, हैव बीन तो पता ही रखा है। ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। रूल देख लो, WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम। इतना बड़ा रूल हो गया, देखा? WH फैमिली ऐड कर दिए स्टार्टिंग में, बस और कुछ नहीं, बाकी वही इंटरोगेटिव फर्स्ट वाला रूल ही है पूरा। ठीक है, आइए सेंटेंस लेकर के इसको क्लियर करते हैं। सेंटेंस है, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? क्यों, समझ रहे हो? क्यों आ गया, मोहन इस पुस्तक को 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है? So why has Mohan been reading this book for 2 hours? Clear hai? Why has Mohan been reading this book for
टू आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम दो दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दो दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? What have you been doing here for 2 days? What have you been doing here for 2 days? Clear? Next sentence. शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक पढ़ा रहे हैं? Which book has the teacher been teaching since Friday? Which book has the teacher been teaching since Friday? Clear हो गया? अगला sentence, last sentence है। वह दो दिन से क्यों पढ़ रहा है? वह दो दिन से क्यों पढ़ रहा है? Why has he been reading for 2 days? Clear हो गया? देख लो, सबसे पहले why, WH family, फिर उसके बाद has और have में से has, क्योंकि he है, फिर उसके बाद subject के बाद देखो been लगाना है, been लगा दिया, फिर verb की first form plus ing, reading, फिर since और for में से हमने एक चुन लिया for, ठीक है? Object था नहीं, इसलिए object लगाया नहीं, since for पर आ गया direct, since for में से हमने for चुना, फिर time लगा दिया 2 days, clear है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव यानी नकारात्मक सवाल में भी हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाना है इसमें सेंटेंस। यूज ऑफ हैज बीन, हैव बीन के बारे में पता ही है, ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। रूल को देखो, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, नॉट और बीन की पोजिशन को याद रखना। मेन वर्ब से पहले हमें क्या लगाना है, बीन, और बीन से पहले नॉट। ऐसे याद रखोगे तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है? क्या मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले बीन, बीन से पहले नॉट, ठीक है? रूल क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और ऑब्जेक्ट फिर सिंस फोर फिर टाइम। आइए एग्जाम्पल लेकर के हम इसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह दो दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह दो दिन से क्यों नहीं पढ़ रहा है? देखो इंटरोगेटिव भी है, क्यों और नहीं भी आ गया है, तो सेंटेंस अच्छा है, बना के देखते हैं। Why has he not been reading for 2 days? Why WH family पहले लगाई, देखो रूल में देखो WH word पहले, WH family पहले, why, ठीक है? Has have में से हमने has चुन लिया, he है इसलिए, ठीक है? सब्जेक्ट भी लग चुका है, प्लस नॉट, फिर नॉट आ गया, फिर बीन है, बीन लगा दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी रीड प्लस आई एन जी जोड़ दी, फिर ऑब्जेक्ट था नहीं इसलिए हमने डायरेक्ट सिंस और फोर में से फोर लगाया और टाइम लगा दिया दो दिन, ठीक है? तो व्हाई हैज ही नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days? अगला सेंटेंस है, शुक्रवार से अध्यापक कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ा रहा है? तो विच बुक हैज द टीचर नॉट बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे? अगला सेंटेंस, कौन तुम्हारा शाम से इंतजार नहीं कर रहा है? हु हैजंट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द इवनिंग? हु हैजंट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस द इवनिंग? लास्ट सेंटेंस को और देख लो, क्या वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा है? क्या वह जनवरी से इस मकान में नहीं रह रहा है? हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी? हैज ही नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी? क्लियर हो गया? आई होप कि ये भी टेंस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर हाँ फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे डाउट क्लियर कर लें। लास्ट में मैं आपको ये एक्सरसाइज दे रहा हूँ, इस एक्सरसाइज की आप घर पर प्रैक्टिस करें, ठीक है? और इन एक्सरसाइज में से भी जो भी सेंटेंस आपको नहीं समझ में आ रहा हो वो भी पूछ सकते हैं आप। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को फिनिश कर लिया है, यानी आज हमने प्रेजेंट वाला जो टेंस है पूरा वो भी फिनिश कर लिया है। अगली वीडियोस में मिलेंगे हम पास्ट टेंस को लेकर के, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे करके हम सभी टेंसेस को क्लियर करते चलेंगे। आई होप कि मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही होंगी। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको भी तो इसको फ़ायदा मिले। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी नई नई जो वीडियोज़ की अपडेट है वो उन तक अपने आप पहुँचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।